हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। मम्मी पापा की शादी को हो चुके हैं 35 साल। इस 35 सालों में उन्होंने कभी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की। इस साल मम्मी की इच्छा है कि वो सेलिब्रेट करेंगे, बट उनके स्टाइल में। और तो हम वहीं सब जाने के लिए रेडी हो गए। कृष्णा को पहनाई क्यूट सी फ्रॉक, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और हम निकल चुके हैं अपने घर से, और घर से निकल कर जा रहे हैं गौशाला, क्योंकि मम्मी इच्छा है कि हम गौशाला जाके उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। उनको केक कट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहाँ पर जाएंगे गायों के लिए खाना, चारा, पानी सबकी, गायों की व्यवस्था करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, और हो गया एनिवर्सरी। आपको कैसा लगा ये प्लान? तो हम सब वहीं जाने की तैयारी कर। यहाँ पर मैं अपने आप को निहार रही थी। वैसे मुझसे सूट इतना संभाला नहीं जाता, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मैनेज। तो यहाँ से बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, मुझे यहाँ मिलता है शॉकिंग वाला सरप्राइज, क्योंकि कुलदीप बाइक पर आया। जब हम घर से निकले, तब वो घर से निकला भी नहीं था और हमसे पहले पहुंच गया। वाह, क्या बात है यार, इतनी स्पीड से बाइक, वाओ ग्रेट। यहाँ आने के बाद कृष्णा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो घर में सारे दिन रहती है, उसको बाहर ले जाने का कम ही होता है। तो यहाँ वो बहुत खुला खुला हरियाली थी, तो कृष्णा आ गई थी अपने फॉर्म में और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यहाँ से उसके जाने की मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो ये सब सारी चीज़ें किस तरह से एक्साइटमेंट से देख रही थी। और उसको जैसे ही वो नीचे छोड़ा, वो है ना कभी इधर कभी उधर कभी इधर भाग रही थी, और उसको सच में बहुत 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 अच्छा लगा। थोड़ा नज़दीक होता तो हाँ, मैं उसको रेगुलर यहाँ लाती, और कुलदीप यहाँ लेके आया है फूल चढ़ाने के लिए गौ माता को। तो अब हम सब जा रहे हैं गौशाला के अंदर। यहाँ पर कृष्णा बहुत इंजॉय कर रही थी, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि पता नहीं उसके रिएक्शंस कैसे हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था कि इनकी एनिवर्सरी स्पेशल पे कल्याण सिंह जी की तरफ से यहाँ पर गायों के लिए व्यवस्था की गई है। और कृष्णा को पापा, कुलदीप सब ये देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे काम करने से दिल में तो संतुष्टि मिलते ही है, और सच में बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, तो मम्मी वहाँ पर जाके प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने भी थोड़ी हरियाली देख के फोटोशूट थोड़ी सी रील्स बना दी थी, जो मैंने ऑलरेडी डाल दी है इंस्टा पे भी डाली है, यूट्यूब पे भी डाली है। और यहाँ पर कृष्णा को पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, जब भी मैं बाल खोलती हूँ ये मेरे बाल बड़े ही अजीब तरह से खींचने लग जाते हैं। मैंने सोचा इसके साथ एक अच्छी सी रील वीडियो बना दूँ, बट हाँ, जैसे ही मैं बनाने लगती हूँ ये मेरे जोर शोर से बाल खींचने लगती है, और पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे बालों से। तो यहाँ पर बन गई है लापसी गायों के लिए, तो यहाँ पर चार धामा बाहर निकाली है, क्योंकि ये मम्मी पापा पूजा करेंगे, तो फिर गायों के लिए वहाँ से थोड़ा सा एक एक इनके हाथों से डाला जाएगा चारा, और फिर बाकी वाला तो वो अपने हिसाब से जैसे देते हैं वैसे दे देंगे। तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं गायों को पूजा के लिए। उसके बाद फिर यहाँ स्टार्ट की गाय की पूजा, फिर सबसे पहले मम्मी पापा ने की पूजा, फिर कुलदीप ने, फिर मैंने, मम्मी पापा ने गाय को तिलक लगाया, एक दूसरे को तिलक लगाया, फिर गाय की अच्छे से पूजा की प्रॉपर तरीके से, और गाय को लापसी खिलाई, उसको मौली बांधी उसके सींग पर, और फिर प्रॉपर तरीके से सारी पूजा की थी, कुलदीप ने भी की थी। फिर की पूजा मम्मी पापा ने की, पहले गाय गौ माता की पूजा, उसके बाद में कुलदीप ने, उसके बाद में मैंने, फिर प्रॉपर तरीके से अच्छे से गौ माता की पूजा करके, फिर मम्मी और पापा ने अपने हाथों से जहाँ गायें चढ़ती हैं वहाँ पर सब जगह थोड़ी 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 लापसी डाल दी, ताकि उनके हाथों से वो हो जाएगी। हाँ, फिर मम्मी पापा ने एक दूसरे को माला पहनाई, माला पहनने के बाद में कुलदीप ने, यहाँ कुलदीप और कृष्णा की यहाँ पर मस्ती चल रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो फिर लापसी डाली।
रोटी गुड़न फूड़न की गाड़ी रोक देते जाओ ठीक हमें यहाँ पर मम्मी और पापा मंदिर में पूजा कर रहे हैं, फिर क्योंकि वो सांप कान होने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी पूजा करके प्रसादी चढ़ाई। प्रसादी के बाद कृष्णा यहाँ पर खेलने लग गई थी, क्योंकि कृष्णा को यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। इनका डाल लिया कन खेल कृष्णा ने इतना बड़ा कड़ाव देख के उसके अंदर मुट्ठी भर भर के खाने लगी। फिर उसको यहाँ से हटाया और कुलदीप ने उसका वापस हैंड वॉश किया, क्योंकि उसने अगर नहीं लेते तो वो अपने सारे कपड़े गंदे कर लेती। बाह, 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 कृष्णा को हरियाली में थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक की, क्योंकि यहाँ पर जिसको बहुत अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करवाने के लिए ही लेके आए स्पेशली, क्योंकि इसकी सारी फोटो ऐसे है, हरियाली में बहुत कम फोटो है। यहाँ पर झूले लगे हुए थे तो कृष्णा ने यहाँ पर झूलों में बैठ के बहुत इंजॉय किया था, और फिर उसको यहाँ से उतरने का वो नाम ही नहीं ले रही थी, जिसको वैसे ही उसको बोल रहे थे कि कैसा नीचे आ जाए। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती थी, जो क्योंकि उसकी मन ही नहीं था यहाँ से उतरने का। वो उसको पता नहीं चक्कर आ रहे कि नहीं रह रहे थे। मैं 2 मिनट के लिए बैठी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगे, पता नहीं उसका माइंड घूम भी रहा होगा तो क्या पता। यहाँ कृष्णा उसके नानी सा मामा सा झूला झूलने रहे थे, उसको एंजॉय करवा रहे थे। फिर मैंने खुद ने भी अपनी थोड़ी सी रील्स बना दी झूला झूल के, और यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं भी थोड़ा एंजॉय करने लग गई। अब ये सब होने के बाद हम हो चुके थे वापस घर पे जाने के लिए रवाना। कुलदीप हो चुका है अपने बाइक पर सवारी, और हम जाएंगे वापस कार में, क्योंकि ये लेके आया था बाइक, और बाइक पर ये अभी निकलेगा और 2 मिनट से पहले पहले घर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ आने के बाद सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये तो सबसे स्पेशल एनिवर्सरी है, क्योंकि ऐसे तो एनिवर्सरी हमने तो कभी सेलिब्रेट नहीं की, और मम्मी पापा ने भी इनकी भी फर्स्ट ही समझो सेलिब्रेट किए, क्योंकि 35 सालों में इन्होंने कभी की ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया, तो उनके लिए तो सच में बहुत ही अच्छा था, और मम्मी का आइडिया तो कमाल का ही था। और फिर कृष्णा और हम सब वापस बैठ चुके हैं कार में, और कृष्णा को कार में इंजॉय तो बहुत आता है, बट थोड़ी देर बाद में परेशान भी हो जाता है। बट परेशान हो तो हो, बट बैठना उसको कार में ही है। अगर उसको बोलो कि नीचे उतरने के लिए बोलो ना, तो ऐसे जोर जोर से चिल्ला रही है, जैसे उसको पता नहीं क्या ही इतना लगाव है, जैसे कार से उतरना ही नहीं चाह रही थी। और जैसे ही उसको उतारे थे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पता नहीं उसका भी हर चीज़ का, जब भी उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। आई होप ये हैबिट उसकी बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगी। तो हम आ चुके हैं घर पर, और घर पर मुझे मिलता है बहुत ही शॉकिंग सरप्राइज, क्योंकि यहाँ से मुझे न्यूज़ मिलती है कि मुझे ससुराल अभी के अभी जाना है, तो लेने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे सारी चीज़ें पता नहीं कैसे मैनेज करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने कृष्णा को सुलाया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो वो कैसे सो रही थी गोल मटोल बन के। और जैसे ही पता चला कि मुझे निकलना है, तो यहाँ पर मम्मी हो गए थोड़े से सैड, क्योंकि मम्मी की इच्छा नहीं थी कि अभी मैं जाऊँ, क्योंकि वो थोड़े से परेशान थे, तो वो कृष्णा के साथ उनका थोड़ा मूड अच्छा हो जाता था, तो वो मुझे कुछ बोल नहीं रहे थे, बट हाँ उनके एक्सप्रेशन मुझे सारी चीज़ बता रही थी। बट आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।